किरचॉफ का नियम। 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने किसी भी जटिल परिपथ के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसका प्रथम नियम संधि का नियम होता है। उसके अनुसार किसी एक बिंदु पर आ रहे विद्युत धारा धनात्मक तथा उस बिंदु से जा रहे विद्युत धारा का मान ऋणात्मक होता है। अर्थात अगर हम कोई बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पर कहीं से भी किसी भी तरह से अगर विद्युत धारा आ रही है तो विद्युत धारा धनात्मक होती है, और यहाँ से जो विद्युत धारा जाता है वो ऋणात्मक माना जाता है। तो अगर यहाँ से 2i विद्युत धारा आ रहा है, यहाँ से 3i और यहाँ से 4i, तब इस बिंदु से जो विद्युत धारा जा रही है वो जाएगी x, अगर कोई भी मान लेते हैं 5i और ये हो जाएगा 4i। यानी कि संधि का नियम यह बतलाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम यह बतलाता है कि किसी बिंदु पर विद्युत धारा जो आता है वह धनात्मक तथा जो वहाँ से जाता है ऋणात्मक, इस तरह दोनों का मान अगर हम जोड़ेंगे जो बीजीय गणित का जो बीजीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी कि सिग्मा आई बराबर 0, अर्थात 2i प्लस अर्थात 2i, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि किरचॉफ के प्रथम नियम है संधि का। इस तरह 2i प्लस 3i प्लस 4i माइनस 5i माइनस 4i बराबर 0, यानी कि 2, 3, 5, 5, 4, 9i माइनस 9i इक्वल टू 0, यानी कि 9 से 9 कट के 0। यही है किरचॉफ के संधि नियम का पहला नियम। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स टू वॉचिंग माई